हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। मेरा नाम करण अरोड़ा है और आज हम मॉडर्न इंडियन आर्मी गन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मिलिट्री फैक्ट्री में 42 तरह की मॉडर्न इंडियन आर्मी गन्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं, एक बाय एक सबके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली गन है APS। ये अंडर वाटर असॉल्ट राइफल है। इसको हमने 1975 में सोवियत यूनियन से लिया था। और नंबर टू है ब्राउनिंग हाई पावर FN GP-35 सिंगल एक्शन सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, और इसको 1935 में बेल्जियम से लिया गया था। नंबर थ्री ब्राउनिंग M2 HMG मल्टी रोल हैवी मशीन गन, और ये गन 1921 में यूनाइटेड स्टेट से ली गई थी। नंबर फोर ब्रगर एंड थॉमट MP9, ये मशीन पिस्टल सब मशीन गन है और इसे 2004 में स्विट्जरलैंड से लिया गया था। नंबर फाइव है कार्ल गुस्तव M1948, ये मल्टी रोल शोल्डर फायर्ड रिकॉयलेस राइफल है और इसे 1948 में स्वीडन से लिया गया था। और नंबर सिक्स है CG M4, ये मैन पोर्टेबल शोल्डर फायर्ड मल्टी रोल वेपन है और इसे 2014 में स्वीडन से लिया गया था। और नंबर सेवन है कॉल्ट M16, ये इन्फेंट्री असॉल्ट राइफल है, इसे 1963 में यूनाइटेड स्टेट से लिया गया था। नंबर एट है कॉल्ट M4 असॉल्ट कार्बिन, और इसे भी यूनाइटेड स्टेट से लिया गया था 1994 में। और नंबर नाइन है कॉल्ट M4A1 सॉप मोड कार्बन राइफल विद स्पेशल फोर्सेस मॉडिफिकेशन किट, और इसे भी यूनाइटेड स्टेट से लिया गया था 1993 में। नंबर टेन डेक्टेरियफ KPV 14.5 हैवी मशीन गन है ये, और इसे 1949 में सोवियत यूनियन से लिया गया था। नंबर 11 डैनियल NDW-20 एंटी मटीरियल राइफल, और इसे साउथ अफ्रीका से 1998 में लिया गया। नंबर 12 ड्रैगनोव SVD सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल, इसे 1963 में सोवियत यूनियन से लिया गया था। नंबर 13 फैब्रिक्यू नेशनले FN MHE जनरल पर्पस मशीन गन, इसे बेल्जियम से 1958 में लिया गया था। नंबर 14 फ्रेंची SPS-15 ऑटोमेटिक कॉम्बैट असॉल्ट शॉटगन, इसे 1996 में इटली से लिया गया था। नंबर 15 ब्लॉक 17 सेमी ऑटोमेटिक सर्विस पिस्टल, इसको ऑस्ट्रिया से 1983 में लिया गया था। नंबर 16 GP-25 GP-30 GL सिंगल शॉट 40mm मजल लोडेड ग्रेनेड लॉन्चर, इसे 1978 में सोवियत यूनियन से लिया गया था। नंबर 17 हेक्लर एंड कॉच HK MP5 सब मशीन गन, इसे 1966 में जर्मनी से लिया गया था। नंबर 18 हेक्लर एंड कॉच HK MSG-90, और ये है सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल, इसे 1987 में जर्मनी से लिया गया था। नंबर 19 हेक्लर एंड कॉच HK PSG-1 सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल, इसे जर्मनी से 1972 में लिया गया था। नंबर 20 IMIB-300 रीयूजेबल एंटी टैंक रॉकेट सिस्टम, और इसे इसराइल से 1980 में लिया गया था। नंबर 21 IWI गलील स्नाइपर सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल, 1983 में इसराइल से लिया गया था। नंबर 22 IWI निगीव LMG लाइट मशीन गन, इसको 1997 में इसराइल से लिया गया। नंबर 23 IWI TAR-21 असॉल्ट राइफल, और इसे 2006 में इसराइल से लिया गया। नंबर 24 IWI-UZ सब मशीन गन, इसे 1950 में इसराइल से लिया गया। नंबर 25 कलशनिकोव AK-103 असॉल्ट राइफल, और इसे रशिया से 1994 में लिया गया था। नंबर 26 कलशनिकोव AKM असॉल्ट राइफल, इसे 1959 में सोवियत यूनियन से लिया गया। नंबर 27 कलशनिकोव PKM जनरल पर्पस मशीन गन, इसे सोवियत यूनियन से 1969 में लिया गया था। नंबर 28 KBP AGS-17 पल्मिया 30mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, और इसे 1970 में सोवियत यूनियन से लिया गया था। नंबर 29 KBP AGS-30 AGL 30mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, इसे 1995 में रशिया से लिया गया था। नंबर 30 KBP RPO-A शोल्डर फायर्ड रॉकेट प्रोपेल्ट, और इसे 1988 में सोवियत यूनियन से लिया गया था। नंबर 31 M40 106mm रिकॉयलेस राइफल, इसे 1955 में यूनाइटेड स्टेट से लिया गया। नंबर 32 मिलकोर MGL-Y2 सिक्स शॉट 40mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, इसे 1983 में साउथ अफ्रीका से लिया गया। नंबर 33 NSV-HNG हैवी मशीन गन, इसे 1971 में सोवियत यूनियन से लिया गया। नंबर 34 OFP एक्सकैलिवर
असॉल्ट राइफल है ये, और इसको इंडिया में ही बनाया गया था 2018 में। नंबर 35 OFP INSAS इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम असॉल्ट राइफल है और ये भी इंडिया में ही बनाई गई थी 1998 में। नंबर 36 ऑर्डिनेंस L1682 mm मीडियम इन्फेंट्री लेवल मॉडरेट वेपन सिस्टम और ये 1965 में यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। नंबर 37 ऑर्डिनेंस ML2 inch मॉर्टर लाइट इन्फेंट्री मॉर्टर और ये भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था 1938 में। नंबर 38 SA-18 9K-38 पोर्टेबल शोल्डर लॉन्च एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और इसे 1983 में सोवियत यूनियन से लिया गया था। नंबर 39 6R SST-3000 बॉल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल इसे 1992 में स्विट्जरलैंड से लिया गया था। नंबर 40 स्टर्लिंग सब मशीन गन L2A1 सब मशीन गन इसे यूनाइटेड किंगडम से 1944 में लिया गया था। नंबर 41 स्टीयर SSG-69 बॉल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल इसे ऑस्ट्रिया से 1969 में लिया गया था। और आखिरी राइफल नंबर 42 है विध्वंसक AMR ये स्नाइपर राइफल है जो इंडिया में ही बनाई गई थी 2007 में। तो दोस्तों ये सारी मॉडर्न इंडियन आर्मी गन्स थी। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते करो ताकि सबको इसकी नॉलेज मिल सके। नीचे सब्सक्राइब और बेल बटन पे प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।